नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान एक बार फिर से आपके समक्ष आ गया हूं। और इस बार हम नगर विधानसभा के दो बड़े गांव हैं हिंगोटा और पाडला, उनके बीच में जो चौराहा है हिंगोटा पाडला का, आज हम वहां पहुंचे हैं हमारी टीम के साथ। और हम जानेंगे कि यहां के लोगों के मन में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या विचार हैं और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से कि इनके ये किन मुद्दों को अपनी अहमियत देते हुए आने वाले चुनावों में अपना पक्ष रखेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? सुबेदार जी। सुबेदार जी, हाँ। तो सुबेदार जी, ये बताइए कि जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, इन चुनावों में आप किसे वोट करने वाले हैं और वोट करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? भाई, हम तो वाजिब अली वोट देंगे। ऐसा क्यों? अरे, वाजिब अली बढ़िया आदमी है, अपनो पड़ोसी है, सीकरी को है, और काम भी बढ़िया करवाया हमने। अच्छा, काम अच्छे कराए हैं तो कुछ, हाँ। काम गिना उनके जो आपको लगा बहुत गिनाए ना जाए तो कुछ तो काम होंगे। सड़क है और भी भाई गल्ला है, हॉस्पिटल है। कौन कौन से हॉस्पिटल खोले हैं जरा बताइए भाई? डीग में भी खोलो है। अच्छा, डीग में को हम नगर में, हाँ सही तो है। अच्छा अच्छा, और भाई सड़क पड़क निकटवाई कर लेना वाजिब अली ने। क्या आपके गांव में जल भराव की समस्या है, सड़कों की जो समस्या है वो सही कर दी उन्होंने? सब सही कर दी। आपके इस क्षेत्र में शिक्षा का काफी अभाव देखा जाता है, तो विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में आपके गांवों के लिए क्या कुछ किया है? क्या कोई नया विद्यालय खोला है या विद्यालयों को अपग्रेड किया है, क्रमोन्नत किया है? हिंगोटा में खोला साहब विद्यालय। कितने तक? 11वीं तक, 12वीं तक, 8वीं तक, 12वीं तक, 12वीं तक का विद्यालय खोला है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आप माननीय विधायक वाजिब अली जी को समर्थन कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इस बार कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की वोटों में सेंध लगाने के लिए चौधरी खुर्शीद अहमद भी बसपा के टिकट से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो उनको लेकर आपके क्या विचार भाई? खुर्शीद ना दे रहा फटी वोट भी। ऐसा क्यों? एक भी ना दिए, कहां को खुर्शीद अपने वहां नहीं सुलड़े। हम तो एक दिए ना, ने देन दिए, हम तो अपना वाजिब अली देंगे वोट भाई। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वो बाहर ही है, इसलिए बाहर का होने के लिए आप उनको वोट नहीं देंगे? अरे ना, हमारा वाजिब अली भाई बढ़िया काम करवाया, अपने नजदीकी है, हमारे 112 चलो जा तो वाई के संग लग दिए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कहीं ना कहीं वाजिब अली जी के प्रति लोगों का भाव जो है, कहीं ना कहीं प्रेम भाव जो है, भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो वाजिब अली को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है जी, पाटला का रहने वाला हूँ। अच्छा आजाद जी, 2023 के चुनाव जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव जो हैं, इनमें आप जो हैं वोट करते समय मुद्दों को प्राथमिकता देंगे या जाति समुदाय को प्राथमिकता देंगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जो विकास है ना, विकास के नाम पे यहाँ पे वोट दिया जाएगा। विकास विकास जो वाजिब अली जी ने किया है वो सर्वोपरि है, और जो नेक्स्ट जो पिछले विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। दरअसल काम तो किया है, लेकिन कुछ थोड़े हद तक किया है, इतना नहीं कर पाए जितना कि इन्होंने किया है। जैसे इनका काम है शिक्षा है जी, चिकित्सा है, और रोडों की जो दुर्दशा थी वो कंप्लीट की है। हमारे जो ये टुकड़े हैं बनेनी से, ये जो पाडला चौराया के लिए ये कंप्लीट किया है, ये पाडला से जो बोहड़ा की है वो अभी अधूरा है, उसको भी कंप्लीट, उस पर काम चल रहा है अभी, और जो बोहड़ा की से ये अपने हिंगोटा के लिए आ रहा है उस पर भी काम चालू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जी हैं ना जो जी, वो एक शिक्षित MLA हैं और होनहार हैं, और जो होनहार और शिक्षित होता है ना वो विकास करना जानता है। यानी कि जब हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर शिक्षा नहीं जाएगी तो हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, बेरोजगारी से भी जूझेंगे वो लोग, वो कुछ भी गलत कर्म करेंगे वो लोग, यानी कि शिक्षा सबसे ऊपर है जी। लेकिन जो भूतपूर्व विधायिका रही हैं श्रीमती अनीता गुर्जर जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनका कहीं ना कहीं वर्तमान MLA के ऊपर ये आरोप लगाती हुई देखी जाती हैं कि जो अपना ये क्षेत्र है यहाँ पर साइबर क्राइम या OLX को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहती हो, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, तो विधायिका जी सीधे सीधे आरोप लगाती हैं कि ये वाजिब अली जी के संरक्षण में हो रहा है, तो इस बात में कितनी सत्यता है? जो विधायक वाजिब अली जी है उनके बारे में ऐसा कहना सरासर गलत है जी। मैं कोई कर्म करता हूँ, मैं अभी किसी आदमी को मारता हूँ पीटता हूँ तो उसका अपराध मैं ही स्वयं दोषी हूँ इसके लिए जी, जी। विधायक को इसके लिए दोषी नहीं बनाया जाए, क्योंकि गलत कर्म आदमी स्वयं करता है तो विधायक पर क्यों थोपी जाती है बातें? और अब ये दो साल में जो साइबर क्राइम है वो कुछ हद तक उस पर पाबंदियां लगी हैं, यानी कि 20% से
कम हुआ है, यानी कि वो अब समथिंग समथिंग 40% है और वो भी खत्म हो जाएगा। जी जी। और जो ये आरोप हैं ये निराधार हैं, जो बीजेपी वाले हैं ये इन प्रोपेगेंडा को देखते हैं और ये एक दूसरे को बरगलाते हैं, एक दूसरे को ये झगड़ा कराते हैं। ये लोग हमारे विधायक के बारे में कितना कितना गलत बोला गया था, लेकिन वो लोग वो जो विधायक हैं वो वास्तव में इंसान है, उन्होंने किसी को टस से मस नहीं किया, जातिवाद को नहीं देखते हैं, वो विकास को देखते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन भूतपूर्व विधायिका जो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाती हैं कि वर्तमान विधायक जो हैं वो विकास कार्यों में जातिगत भेदभाव करते हैं। अर्थात उनका सीधा कहना ये है कि माननीय वाजिब अली जी जो हैं वो मेवों के गांवों में तो विकास कार्य कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन अदर कम्युनिटी जो हैं, दूसरी समुदाय जो जातियाँ हैं, उनके गाँवों में इतना विकास देखने को नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, देखो जो नगर के लिए जो गंदे पानी के निकास के लिए समथिंग समथिंग 40 करोड़ के समथिंग में पैसा बजट आया है उसके लिए जी, वहाँ पे सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ मेव की संख्या नहीं है, वहाँ पे सब लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, बामन पंडित वगैरह सब लोग रहते हैं वहाँ पे जी। वो ऐसा नहीं देखते हैं, जातिगत आधार पर इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। और जनहूतर को तहसील बनाया है, जालूकी को उप तहसील के रूप में क्रमान्वित किया है, हमारे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र दिया है, पाटला में उप स्वास्थ्य केंद्र दिया है, और PHC से CHC ट्रॉमा सेंटर गुलपाड़ा दिया है, और उप जिला अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल नगर के अंदर बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमारे कोई उसमें ये नहीं है कि मेयो के बच्चे जाएंगे, ये गलत है, जातिगत आधार पर नहीं देखते हैं, ये चीज देखते ही नहीं है वो लोग। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सीकरी के पास में एक GSS बनाया है उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, जो बिजली के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी कि क्योंकि हमारी की जो समस्या थी वो समस्या का निराकरण हो रहा है। और जो अपने सीकरी के अंदर वो दिया है, वो कॉलेज दिया है, बिल्कुल, और दूसरा नगर में कॉलेज है, हाँ, नगर पालिका दी है, और जो SDM ऑफिस वगैरह है वहाँ पे बन रहे हैं, वहाँ पे विकास काम हो रहा है, और देखो कुछ कमियां रह जाती हैं, पूर्ण कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ये कुछ अगले सत्र में कंप्लीट हो जाएंगी, देखो यदि ऊपर वाले ने उनको जिताया तो अगले सत्र में कंप्लीट होंगे। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है कि क्षेत्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा हावी रहते हैं, लेकिन क्या आप जैसे जो युवा वर्ग हैं उस युवा वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं अहम रहेंगे? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे अगली बार? बिल्कुल, ये होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो ऐसा है, वोट तो वाजिब अली के लिए ही दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि विकास के नाम पे, मैंने पत्रकार महोदय जी आपको बार बार बोला है, विकास के आधार पे वोट दिया जाएगा जी। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जो मेव कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो जाट परिवार से आते हैं, फिर भी उनका मान सम्मान मेव ज्यादा देते हैं, क्यों? क्यों वो लोग काम कराते हैं जी, जो बंदा काम कराएगा उसके लिए वोट मिलेगा, किसी भी जाति से भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं उनके क्या विचार है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम फजरू खान है जी। फजरू जी, तो फजरू जी, अब आने वाला जो इलेक्शन है, विधानसभा जो चुनाव है, तो इसमें आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे और आप किसे वोट करना चाहेंगे? देखो, हम विकास के नाम पे वोट करेंगे जी। मुद्दों के नाम, तो मुद्दे तो काफी हैं, जैसे कि अगर बात करना चाहें मुद्दे तो अन्यथा काफी उठाते हैं लोग, मुद्दों से कोई मतलब नहीं। हमारे वाजिब अली जी ने अच्छा विकास किया है, हमारे क्षेत्र में बढ़िया विकास किया है जी जी, तो उसके लिए ही हमारे जो सारे वहाँ बैठे हैं। अभी तो देखो आगे आने वाले चुनाव, आगे वाले उसमें जी जी, क्या करना है जी, लेकिन खास मुद्दा हमारा यही है जो हमारे भाई साहब ने, पहलवान जी ने कहा है जी, वही हमारा सबका एक ही सलूशन। तो कहीं ना कहीं विकास को आगे रखकर आप इस विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे विकास को? और आपके नजरिए से माननीय विधायक वाजिब अली जी ने बहुत विकास कराया है, इसलिए आप उनको अगले चुनाव में भी वोट करेंगे? हाँ जी हाँ, अगले में करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के व्यक्ति भी बैठे हैं, इन युवाओं से भी जानते हैं कि उनके लिए इस चुनाव में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम इकरम खान है, मैं पाटला से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो इकरम खान जी, आप ये बताइए कि ये जो चुनाव आने वाला है तो कहीं ना कहीं चुनाव में हर एक वोटर की वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है, तो आप भी काफी युवा नजर आ रहे हैं, तो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं रोजगार का बड़ा मुद्दा रहता है, तो वर्तमान जो अभी आगामी जो चुनाव है तो इनमें आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले तो हम
विकास जितना हमारी विधानसभा में हुआ है ना जी, इतना जो 200 विधानसभा है ना शायद किसी में हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 40 स्कूल हैं क्रमोन्नत हुई हैं जी। आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी ऐसा वो नहीं है विधानसभा जिसमें 40 स्कूल में प्राइमरी से अपर प्राइमरी गई हो। बिल्कुल, तो इसलिए जितना विकास यहाँ पे हुआ है इतना विकास कहीं हुआ नहीं है मेरे हिसाब से तो। और हम तो विधायक जी से यही चाहते हैं कि आने वाले समय में ये मेयू कम्युनिटी तो आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी और अदर कास्ट भी आपको सपोर्ट करेगी। अब हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आप कुछ अच्छा करें, कुछ कम्युनिटी के अच्छे करें, कुछ रोजगार लाएं यहाँ पे जी, जी। बस रोजगार की सबसे बड़ी मांग है। जब रोजगार हो जाएगा तो साइबर क्राइम से तो ऑटोमेटिक वैसे हट जाएगी पब्लिक। कहीं ना कहीं रोजगार और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, इसी कारण ये क्राइम होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आगामी अगर हम आगामी चुनाव यदि जनता दोबारा से सेवा का मौका देती है माननीय वाजिब अली जी को, तो आपकी क्या डिमांड रहेंगी कि इस बार वो आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जो उनसे करवाना चाहेंगे? सर देखिए 90% काम तो कंप्लीट हो चुके हैं जी, फिर भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे गांव में या जो मुस्लिम कम्युनिटी के गांव है वहां पे जो स्कूलें हैं उनमें स्टाफ की कमियां हैं अभी भी, टीचर ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे क्योंकि सब प्राइवेट स्कूलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अच्छे टीचर आए यहाँ पे, अच्छा शिक्षा का विकास हो, कॉलेज वगैरह बनी गया है और उसका यानी कि विश्वविद्यालय भी यहाँ पे आए सीकरी के अंदर, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी जी, तो फिलहाल यदि हम देखें तो जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं फिलहाल, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या साइबर क्राइम की देखने को मिलती है, जिसे लेकर बार बार मेवात को टारगेट किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें या फिर हम राज्य स्तर पर देखें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि खास करके इसमें युवा जो वर्ग है वो उसी की इसमें संलिप्तता देखने को मिलती है, तो आप मुझे बताइए कि यदि हम क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिनसे युवाओं को इस अपराध के जाल से बचाया जा सके? देखिए सर, अपराध तो ये बड़ा है क्षेत्र में, क्योंकि इसमें जो संलिप्त हो जाता है तो उसका जीवन ये सब तो बर्बाद हो जाता है, चंद पैसे के लिए अपना जीवन बर्बाद कर जाए, मुकदमा वगैरह लग जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पे पुलिस को भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और जो गांव में ये दलाल वगैरह बन रहे हैं ना सर, इन पे भी थोड़ा वो कंट्रोल करना चाहिए। कहीं ना कहीं गांव का भी सपोर्ट, गांव का सपोर्ट रहता है, अगर दलालों पे कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ये काम। जी जी जी, हाँ। तो माननीय वाजिब अली जी का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी इसका बड़ा अहम कारण है और उन्होंने बुर्जा के पास एक औद्योगिक क्षेत्र इसके लिए स्वीकृत कराया है, हालांकि अभी वो कार्यशील है नहीं, प्रगति में है कि आगे अगर उनको दोबारा जनता सेवा का मौका देगी तो जरूर डेवलप किया जाएगा। तो चलिए इसके अलावा हम कुछ लोगों से और से भी बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। तो कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो, कट कर देंगे हम। आ जाओ, इस तरीके से करो जैसे लोग किन के लिए वोट देंगे पूरी तरीके। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताएं। उमरदीन। उमरदीन, तो उमरदीन जी ये बताओ कि आगामी चुनावों में आप किसे वोट करने वाले हो? भाई यहाँ तो वाजिब अली की वोट है भाई। आप किसे करने वाले हो यहाँ का, मतलब आप सभी की गारंटी ले रहे हो? नहीं तो सिर्फ टिट पाटवाड़ा की गारंटी, वाजिब अली। आप गारंटी ले रहे हो? गारंटी। तो दलाली करते हो आप वोटों की? तो 5 पैसा को दागने लगा सब कोई। फिर कैसे कह रहे हो कि सब सिर्फ और सिर्फ वाजिब अली की वोट है? भाई हो सकता है कोई और किसी को भी करना चाहे, विकास के नाम पे वोट दी जाओ, विकास के नाम पर। और कोई हो तो, कोई भी हो, जातिवाद सुनाए। जी जी, वो बिलवालू वोट मिलते, विकास का नाम से वोट मिलती, विकास के नाम से वोट देंगे। तो आप कह रहे हैं कि इस बार आप वाजिब अली को ही वोट देंगे, इसमें कोई और अगर कोई और व्यक्ति आए जो दावा करे कि अगर उनको मौका दिया गया तो वो भी विकास करेंगे, तो क्या उनको भी आप एक मौका देंगे? मौका देंगे भाई, अभी तो जानो पहचानो है, देख भी लियो, 5 साल देख भी लियो। देखिए अभी जी जी जी, अब झूठा वादा तो बहुत करें, अब झूठा वादा वादे तो एक बार जैसे मान लीजिए इस बार चौधरी खुर्शीद अहमद सपा से प्रत्याशी घोषित किए, सॉरी बसपा से प्रत्याशी बने, तो वो भी कह रहे हैं कि अगर उनको अब की बार नगर विधानसभा ने मौका दिया तो वो वाजिब अली से भी अच्छे विकास कार्य करेंगे, तो क्या आप लोग उनको भी मौका देना चाहेंगे? अरे वो ना कर रो विकास, कौन वोट दे रहा वाले? क्यों आप कैसे कह सकते हैं ये बात? अब लोग कह सकते हैं कोई बाहर को आदमी है, कौन डोलेगा काम भी पड़ेगा तो। अच्छा चलिए, बाहर की बात है तो जो पिछली बार से दो बार विधायक रह चुकी है श्रीमती अनीता गुर्जर जो हैं, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने कभी किसी के साथ जातिगत भेदभाव किए बिना विकास किया है, उन्होंने हर गांव में आरओ प्लांट लगवाए हैं, तो क्या आप श्रीमती अनीता गुर्जर को स्थानीय होने के नाते वोट देंगे? हमारे इन गांव में तो हमने देखी ना, कभी आई नहीं है, कभी आई नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि उन्होंने हर गांव में आरओ प्लांट खुलवाए हैं, क्या ये बात सच है?
ना आरो प्लांट तो खुला है, पर हमने तनी तक भाई देखी ना, अनीता ही नहीं देखी आपने? अनीता ही ना देखी। वो दो बार विधायक रह चुकी है हमारे क्षेत्र से, विधायक रहेगी हमारे क्षेत्र में आई ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि विधायिका जो है वो कभी भी इन गांवों की तरफ दौरा करने भी नहीं आई, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये भी एक बड़ी नाराजगी की वजह समझी जा सकती है। चलिए और बात करते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। सैकुल। सैकुल, तो सैकुल जी आप बताएंगे कि आप आने वाले चुनाव में किसे वोट करने जाएंगे? भाई वाजी बोले की वोट। तो इन चुनाव में आप सिर्फ जाति के आधार पर वोट करेंगे वाजिब जी को, या पार्टी के आधार पर करेंगे, या उनके विकास कार्यों को देखते हुए करेंगे? विकास में कुछ विकास कार्यों को अगर आप गिनाना चाहें तो वहाँ रोड बना दिए हैं जी, अस्पताल खोल दिए। अच्छा, और स्कूल कन्वर्ट करवा दिए। आपके इस क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर कोई जिला अस्पताल या फिर कोई छोटा मोटा डिस्पेंसरी टाइप का कोई अस्पताल बनाया? नगर में है, ठीक है। यहाँ पर यह गाँव में स्वीकृत हो गया है, आप ये कह रहे हैं? घर घर लगेगी पानी की लाइन? पानी की लाइन अभी पानी की व्यवस्था हुई नहीं है, उसने बजट पास करा, चल रहा काम, चल रहा है। लेकिन एक तरफ अगर जैसे आप पानी की जल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस जल के साथ एक बड़ी दिक्कत ये हुई है कि जब से चंबल की लाइन दबाई गई है हर एक गांव में कीचड़ की जल भराव की समस्या देखी गई है, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि सड़कों पर अभी आपके यहाँ भी जल भराव की समस्या है। तो इसे लेकर आपने वाजिब अली जी से मांग नहीं की कहीं ना, तो उनका क्या कहना है? उनको कहना ये है कि भाई विकास तो कर ही रहे हो, जैसे सरपंच जैसे कोरोना पड़ गो पहले, जी जी, जब बजट ना हो दे पाए वरना दे रहे सरपंच। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस क्षेत्र की जनता भी विधायक वाजिब अली जी के समर्थन में है, और उनका कहना है कि विधायक वाजिब अली ने हर एक स्तर पर जातिगत भेदभाव से ऊपर उठते हुए विकास कार्य किए हैं, और सिर्फ विकास के नाम पर ही उनको आगामी चुनाव में वोट करने जा रही है। जहाजी जी से बात करनी है? चल दोबारा कर लेते, थोड़ा पॉज कर लेना है ना। चल ठीक, पीछे हो जाओ थोड़ा, ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हाजी इस्लाम है। हाजी इस्लाम। इस्लाम जी, तो इस्लाम जी आप ये बताओ कि जो चुनाव होने वाले हैं अब दिसंबर में माह में, तो इन चुनाव में आप किसे वोट करेंगे? हम तो वोट वाजिब दे रहे हैं। तो वाजिब को वोट करने के पीछे, वोट देने के पीछे क्या कारण है? वो कारण ये है जी कि मैंने अच्छा विकास करो, बढ़िया काम करा, कायस जाति भेद ना करो, सबको एक समाज लेकर चलो, सब जाति को कायस इस नहीं के लिए भाई जैसे जाति भेदभाव करे जी जी, कोई नहीं, सबको एक साथ लेकर चलो। बिल्कुल, अच्छा काम करा, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया काम करा, सड़क से लेके बिजली से लेके अस्पताल से लेके स्कूल से लेके सारा बढ़िया बढ़िया काम करा उन्होंने, अच्छा मतलब। तो हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया अच्छा, है और कहीं ना कहीं उन्होंने भेदभाव भी इसमें नहीं रखा नहीं, है भेदभाव ना करो। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं मेव समुदाय की वोटों में सेंध लगाने के लिए या उन्हें बांटने के लिए बसपा के द्वारा चौधरी खुर्शीद अहमद को भी प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या चौधरी खुर्शीद अहमद इस बार नगर विधानसभा के मेव समुदाय से वोट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि मतलब जो कुर्सी है पहले भी एक बार चुनाव लड़ो, बिल्कुल लड़े थे, तो जब भी इसने दूसरे मारो मैंने 10-20 5 हजार वोट काट के नहीं तो वो हरा गया, इसलिए आपको एक वोट ना मिले कुर्सी को। जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ दूसरा हमारे एक कम्युनिटी के एक विधायक को हराने का काम करते हैं, वोट बंटवाने का काम करते हैं, इसीलिए वो आते हैं, इसलिए आते हैं वोट बंटवाने, जीतने के लिए नहीं आते, जीतने के लिए, जीते बिना। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये भी धब्बा लगता है कि वो स्थानीय नहीं है, यहाँ के लोकल नहीं है, बाहरी है। नहीं जी, स्थानीय तो ऐसा ही है, तो हमारा बच्चा जाएगा तो बच्चा उसको कह देगा हमारा फलाना काम है, तो होएगा, अब वहाँ कुर्सी पे कहाँ भगेंगे। जी 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 जी, इसलिए फिर बढ़िया काम करो यानी फिर सबको एक समाज लेके चलो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे दो सी बात ना करी, बढ़िया काम करवाए। वैसे भी शिक्षित है, ये भी कह सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा आदमी जी जी।